हर हर महादेव फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे वाले दिन भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। बस यही सोच सोच के थक रही थी कि तब तक मेरी दोस्त भी आ जाती है एंड देन वो और हम बैठ के फिर लोग करते बहुत घोर डिस्कशन, आप कह सकते हो, क्योंकि उसने नया घर लिया है। सो उसके रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे थे। तब तक मैं इससे याद दिलाती हूँ कि भैया आज मेरा बर्थडे भी है। सो ये विश करती है मुझे। बस ऐसे ही मस्ती करते करते डिस्कशन करते करते हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। आज बिल्कुल भी पैदल चलने का मन नहीं हो रहा था, तो फिर हम दोनों ने आगे चल के ई रिक्शा लिया ऑफिस के लिए। और पता है ये इतनी आलसी है, सिर्फ 200 मीटर या 150 से 200 मीटर ही होगा बस मेट्रो से हमारा ऑफिस, फिर भी ये डेली ई रिक्शे से ही आती है। और आज भी इसी की जिद की वजह से ही हम चले हैं साथ में कि नहीं तू चल मेरे साथ, नहीं चल। फिर तब तक ऑफिस पहुँचती हूँ और सबसे पहले ऑफिस पहुँच के हमारा काम है प्रणाम करना भगवान को और उसके बाद सीधे पेट पूजा। तो आज इसने राइस लाए थे बट हमारा इस पर डिस्कशन हो रहा था कि नहीं राइस में कुछ थोड़ा सा तो ख़राब सा लग रहा है, सो नहीं खाते हैं इसको। देन मैं पोहा बनाई थी आज, बहुत टेस्टी थे यार, बहुत यम्मी पोहा थे आज के। बस बैठ के हम दोनों ने पोहा इंजॉय किया, खाया, बढ़िया बनाया था मैंने नो डाउट। फिर पोहा खाते खाते काम किया ऑफिस का, और जब तक पोहे पूरे ख़त्म नहीं हो गए तब तक इससे मैं तारीफ़ कराती रही, बता कैसा है, बता कैसा है। और ये बोर हो चुकी थी पूरे दिन भर तारीफ़ करते करते पोहे की, बट फिर भी मेरी जिद कि नहीं आज मेरा बर्थडे है तो सारी बात मेरी माननी है। तो बस ऐसे ही मस्ती हमारी चलती रही और ऐसे ही मस्ती करते करते आज का दिन भी धीरे धीरे बीत रहा था। एंड देन फिर ये देखो मैंने आपको पोहा दिखाया, नाइस ना। फिर तब तक मेरा पार्सल आ जाता है, मैंने कपड़े मंगाए थे, सो मैं चली जाती हूँ बाहर ऑफिस के बाहर पार्सल लेने और लेकर के तब तक आती हूँ ऑफिस में। मैम ने केक भी मंगा रखा था, बैठ के सबके साथ केक कट किया। और पता है ये पाइनएप्पल केक था, बहुत यम्मी था बट बहुत हार्ड भी था, पूरा इसमें आइस जमा हुआ था, ये कट भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा हार्ड था। फिर किसी तरीके से बहुत सारा पावर लगा करके मैंने इस केक को काटा, सबको केक खिलाया, सबके साथ थोड़ी सी फ़ोटो वोटो हो गई, थोड़ा इन्जॉय किया। और इन्जॉय करते करते यार फिर लोगों ने चेहरे में भी पूरा केक लगा रखा था, फिर वो धीरे धीरे करके साफ़ किया। फिर सोचे थोड़े से खाने पीने की चीज़ें हो जाए इंटरेस्टिंग, देन कोल्ड ड्रिंक था और समोसे थे, ये हम दोनों ने मिलके खाए ब्रेक ले करके। एंड देन इन्जॉय करते करते आज का दिन भी हमने धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया था। जैसे लोगों की चाय पे चर्चा होती है, हमारी कोल्ड ड्रिंक और समोसे पे चर्चा हो रही थी चीज़ों को लेकर के। ये हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हम चाय नहीं ग्रीन टी करके पियेंगे और ऐसे ही इन्जॉय करेंगे, और ये यहाँ पे रो रही थी कि यार आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है एंड कल तो नहीं रहेगी, मैं बोर होंगी। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था दर्शन करने के लिए, इसीलिए ये बता के बोल रही थी कि यार मैं बोर हो जाऊँगी, मत जा प्लीज़, रुक जा, मेरे से डील कर रही थी। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे दर्शन करने जाना ही जाना है। बस यही सब बातें करते करते आज का ये शाम तक का दिन बीत गया और फिर मैंने यहाँ से चेकआउट किया। चेकआउट करके फिर मैं वापस घर को पहुँची, चलूँगी थोड़ा सा पैकिंग करूँगी एंड देन मैं निकल जाऊँगी अपने दर्शन के लिए। बाय द वे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं दर्शन के लिए कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।